कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के बाद अब नए बस स्टैंड में बनी विवाद की स्थिति। सत्ता जाने के बाद ही खुलने लगी समदड़िया की पोल, पहले संपत्ति कर और अब इंट्रीगेट का मामला। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम को लेकर काफी हो हल्ला हुआ, लेकिन अभी तक हुआ क्या, कुछ नहीं। ऑडिटोरियम समदड़िया के कब्जे में, धड़ल्ले से वहां वह सब कुछ जिसके लिए वह बना, उसको छोड़कर मसलन ना नाटक ना नौटंकी, ना ड्रामा ना रिहर्सल, केवल शादी बारात। चलिए छोड़िए ऑडिटोरियम को, चलते हैं रीवा शहर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में। यहाँ भी समदड़िया को लेकर विवाद सामने आ रहा है। जी हाँ, ऐसा इसलिए माननीय समदड़िया जी ने रीवा शहर में इसी प्रोजेक्ट के जरिए दस्तक दी थी, जिनका भरपूर साथ निभाया नगर निगम के जिम्मेदार लोगों ने। बस स्टैंड में कहाँ क्या बनना था, कहाँ रास्ता रहेगा, कहाँ दुकानें रहेंगी, कहाँ छोटे व्यापारी रहेंगे, कहाँ बड़े, सब कुछ तय किया समदड़िया ने। यह हम नहीं, समदड़िया के खिलाफ महज एक रास्ता खुलवाने के लिए कांग्रेस भाजपा के नेताओं को छोड़कर तमाम दलों के लोग कह रहे हैं, वह भी अनशन करके। आइए आपको लेकर चलते हैं धरना स्थल और दिखाते हैं वहां किस तरह की बातचीत हो रही है। मेरे पीछे इस वक्त आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो यहां पर नए बस स्टैंड जब बनाया गया था, जिस व्यक्ति को दिया गया था, उसकी हरकतों की वजह से परेशान है। यहाँ पर नया बस स्टैंड तो बनाया गया था, कहा गया था रीवा का सबसे बड़ा बस स्टैंड होगा, प्रदेश का एक आधुनिक बस स्टैंडों में होगा, लेकिन बनाते समय यहाँ के बिल्डर को खास तौर से उपकृत किया गया, उसके हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई हुई और यहाँ पर मेन गेट बंद करके एक किनारे के रास्ते से बसों को निकालने का, आने जाने की व्यवस्था की गई। हमारे साथ यहाँ धरना स्थल पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी समस्याएं क्या है। ये धरना आपका किस बात को लेकर है? ये धरना सन 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के इशारे पर समदड़िया के दबाव में आकर के इस गेट को नगर निगम प्रशासन ने अवैधानिक तरीके से बंद करा दिया और दोनों साइड बैरिकेड्स लगा दिया। जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ये मार्ग कभी बंद नहीं किया जाएगा, ये मार्ग कभी बंद नहीं किया जाएगा। एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से उल्लेख था, अगर मार्ग बंद किया जाता है तो एग्रीमेंट अपने आप निरस्त हो जाएगा। हमारे साथ इस यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। जी बताएं यहाँ पर कि आप लोग की समस्याएं क्या थी? हम लोगों की प्रमुख समस्या है ये गेट। जब से ये गेट बंद हुआ है, पूरे व्यापारी 50-60 व्यापारी हमारे दुकानें लिए थे, 50 लाख 25 लाख 20 लाख, वो सारी दुकानें व्यापार ठप हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है, तो जो दूसरा गेट है, पूरा लोड बसों का जो है तो उस गेट में हो जाने के कारण आए दिन वहाँ पर जाम लगा रहता है। पूरा गेट एक ही रास्ते से सारी बसें निकलती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक की बड़ी ज़बरदस्त समस्या है। ट्रैफिक की ज़बरदस्त समस्या होने से यहाँ पर एक सामने रीवा शहर का बड़ा स्कूल भी है, आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बनी रहती हैं। जी बताएं, एक व्यापारी के इशारे पर पूरा प्रशासन चल रहा है और राजनेता राजनीतिक दल चल रहे हैं, विशेषकर भाजपा और कांग्रेस जो सत्ता में आते हैं जाते हैं। ये व्यापारी समदड़िया, अजीत समदड़िया इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि एक लोहे के गेट को हटाने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े। लोहे के गेट को हटाने के लिए आंदोलन करना पड़े, समदड़िया क्या वाकई इतना प्रभावशाली है? पिछले 15 साल से तो यही लगता है कि हाँ, वो वाकई प्रभावशाली है। आप लोगों के किसी भी तरीके के आंदोलन प्रदर्शन का उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर पार्षद भी हैं, मैं उनसे बात करूँगा। ये बात आपने सत्य कहा कि उनके प्रभाव के कारण जनता को बहुत ही नुकसान हो रहा है और किसी सामाजिक दल को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो बिके हुए हैं और उनको ऐसे सेटिंग है कि उनके पास उनका पैसा जाता है और हम लोग यहाँ जो बड़े व्यापारी हैं वो छोटे व्यापारियों को दबाए हुए हैं। और जब समदड़िया ने दुकान बेची थी तब इनने कहा था कि मतलब हम अच्छे से फैसिलिटी देंगे, आज आप देखिए ये गेट अवरुद्ध कर दिए गए हैं, गेट को लगातार बंद कर दिया गया। छोटे व्यापारियों को यहाँ पर ये कहा गया था कि उनको उचित स्थान मिलेगा, उनके व्यापार को किसी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके के गुप्ता जी भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। निश्चित तौर पे यहाँ पर व्यापारियों ने जो अपना ये समझ के दुकान खरीदी थी कि यहाँ पर व्यापार करेंगे, अपना रोजी रोजगार चलाएंगे,
ये गेट बंद होने से उन व्यापारियों को एक तरीके से पूरी क्षति हो रही, उनके जीविकों को चलाने की बहुत समस्या खड़ी हो रही। सारे आज हम लोग समाज सेवी और राजनीतिक दल को इस गेट नियम के अनुसार इसको हटाया जाए, इन व्यापारियों ताकि व्यापार सुरक्षा हो सके। नियम के अनुसार इस गेट को हटाया जाए। इस गेट को हटाने में किसी भी तरीके का किसी को भी कोई नुकसान नहीं है सिवा फायदे के। हमारे साथ यहाँ पर एक वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपने काफी उतार चढ़ाव रिवा में देखा है, आपको क्या लगता है कि समदड़िया वाकई इतना प्रभावशाली है कि यहाँ पर गेट नहीं हटा पा रहे, आप लोग को आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ रहा? यहाँ के मंत्री या विधायक के काकर के काकर पर है, लेकिन गांव के जनता आके समदड़िया का यह सारा का सारा नष्ट करेगी और आपका खोल दी जबरदस्त तोड़ेंगे। 24 घंटा का टाइम गिनता है, एक बार जन आंदोलन हो या जन समस्या। 24 घंटे का आंदोलन दिया, समय दिया गया है, अन्यथा जन आंदोलन होकर गेट को हम अपने से उखाड़ के अलग कर देंगे। सबसे पहले जनता और यहाँ के व्यापारियों का हित, जिनके लिए यह बस स्टैंड बनाया गया था। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।